स्टूडेंट्स बाय द मैथमेटिक्स ऑफ कैम्ब्रिज डिपार्टमेंट ओ लेवल। आज इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखें बेटा, इस वीडियो के अंदर हम इसका HCF और इसका LCM जो है वो फाइंड करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि इसमें देखें उसने कहा हुआ है कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। यानी इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो चार पार्ट उसने दिए हैं इनका आपने HCF फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसका HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी हाईएस्ट, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यानी ए पार्ट इसका देखें 12 और 30 है। उसने कहा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढें कि कौन सा ऐसा वो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता होगा और वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक तो ये आप इसके टेबल देख लें कि कौन से टेबल्स हैं जो मतलब कि 12 को डिवाइड करते हैं और इसी तरह से 30 को भी। एक तो ये मेथड होगा, दोनों के आप टेबल्स को लिख लें कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। दूसरा मेथड इसका बहुत सिंपल है, वो आप ये भी कर सकते हैं। देखें 12 को और 30 को आप एक ही जगह पर लिखेंगे। अब आप यहाँ पर एक ही जगह पर लिख के आपने इसे कोशिश करनी है कि बाहर वो नंबर लिखें जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। यानी फॉर एग्जांपल देखें, 2 मैं लिखता हूँ, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 6 12, 2 1 2, एक कैरी यहाँ से आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब बेटा देखें, बाहर वो नंबर लिखना जो दोनों को डिवाइड करता हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड HCF। तो अब 3 देखें दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 2 6, 3 5 15। अब देखें, अब दोनों नंबर जो हैं वो कोई ऐसा मतलब इनमें कॉमन नहीं है कि इसको 2 कर रहा है, इसको 2 नहीं कर रहा है, इसे 5 कर रहा है, तो लिहाजा इसे 2 को 5 नहीं कर रहा। तो बस जस्ट यहाँ पर रुक जाना है आपने। यानी जहाँ पर जाके एक नंबर्स डिफरेंट हो जाएं, एक भी नंबर अगर मतलब फ़र्क हो जाए तो आपने वहीं पे रुक जाना है। तो ये दो इसके कॉमन फैक्टर्स आए थे, यानी हाईएस्ट HCF इसको लिखेंगे हम शॉर्ट में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो इसके आए थे वो आपके पास 2 × 3 आया, यानी 2 × 3, तो डैट इज़ इक्वल टू 6। यानी 6 इसका HCF होगा इन दो नंबर्स का, जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस तरह से इसका ये पार्ट बी है, 84 एंड 156। आप इसको भी लिखिए, 84 एंड 156। तो देखें बेटा, कोशिश करनी है छोटे से छोटे टेबल को लेने की, उससे आपको आसानी होगी इनको डिवाइड करना। तो देखें 2 पे जा रहा है, यानी कि देखें ना, अगर इसके एंड पे दोनों नंबर्स के एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा है तो आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। देखें 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। देखें ना, 1 पे तो नहीं जा रहा, तो दो नंबर्स को इकट्ठा कर लूँगा मैं, 2 7 14, एक इधर कैरी हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा मेरे पास, 2 8 16। आप फिर 2 पे करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, एक कैरी यहाँ से आएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब बेटे देखिए, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब मैं इसे किसी और नंबर से सोचता हूँ, तो देखें ये 3 पे दोनों टेबल 3 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9। अब ये दोनों देखें, अब ये 7 आ गया, ये 13 आ गया। अब यानी इन पर कोई भी एक कॉमन टेबल नहीं है जो 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 इनको डिवाइड करे। सो यहाँ पर ये नंबर हैं, तो लिहाजा जिन्हों जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे, सो HCF हमारे पास क्या है, HCF इसका 2 × 2 × 3। यानी ये नंबर लिख लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 3 12, ये आपका आंसर इसका भी आ गया। तो बेटा ये इसका सी पार्ट है, देखिए 15 60 एंड 75। यानी आप उसने थ्री नंबर्स आपको दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी इसकी भी। देखें 60 75। अच्छा, याद से एक चीज़ याद रखनी है, इन नंबर्स के दरमियान में आपने यहाँ पे कॉमा ज़रूर लगाना है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो सारी ये वैल्यू एक ही बन जाएगी। कॉमा एक ऐसा डिजिट है या एक ऐसा निशान है जो इन नंबर्स को आपस में अलग अलग रखेगा और आपस में एक नहीं होने देगा। तो देखें कौन सा टेबल ऐसा है जो तीनों पर जा रहा हो। देखें 2 तो इस पे नहीं जा रहा, इस पे जा रहा है, लेकिन इन दोनों पे नहीं जा रहा। तो 3 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, 3 5 15, 3 2 6, यानी 0 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें
थ्री टू ज़ा सिक्स, एक बाकी आ जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15। आप बेटा देखें, 5 3ों को डिवाइड कर रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो देखें आप, ये नंबर तीनों डिफरेंट आ गए हैं, इन पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता हो, तो यो इसका इस इन तीनों का नंबर जो आया, कॉमन नंबर जो आया वो HCF, वो देखें 3 और 5 आया, 3 इंटू 5, तो 3 5 ज़ा 15। यानी ये 3 5 ज़ा 15, ये देखें तीनों में हमने तीन क्वेश्चंस किए, इन तीनों में ये जो नंबर आ रहे हैं इनका क्या मतलब है? ये HCF है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, इससे ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लिहाजा ये इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन मेंबर है। तो बेटा ये इसका डी पार्ट है फर्स्ट का, तो देखें 77, 91, 143। अब ये देखें, इसको अगर देखें तो एक नंबर भी ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो। देखें अगर मैं 2 पे देखूँ तो 2 पे भी नहीं जा रहा, 3 देखें तो 3 पे भी, 3 2 6 17 बाकी बच रहा है। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को मतलब कॉमनली ही डिवाइड करे, एक ही नंबर तो कोई भी नहीं, जस्ट वन एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, तो यही नंबर दोबारा से आ जाएंगे। यानी तो अब देखें, वन ही इसका सो, तो इसका HCF क्या होगा इस सवाल का? जस्ट वन ही है जो इस इन पूरे तीन नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप देंगे वो जस्ट वन ही है। तो बेटा यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, देखें उसमें उसने क्या, फाइंड LCM। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एंड तक अब आपने इसको फाइंड करना है कि एंड तक इसका नंबर क्या आता है। देखें तो इसको भी फाइंड करने का ये इसका तरीका है, 24 30 को आपने इकट्ठा लिखा, यानी इसको हम LCM भी बोलते हैं। अब आप देखें दोनों पे मतलब 2 जा रहा है, 2 का टेबल इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 2 5 ज़ा 10, फिर 2 ज़ा, चले 2 1 पे जा रहा है या दोनों पे जाए, तो इसमें आपने यही नंबर फाइंड करने होते हैं, 2 2 6 ज़ा 12। 15 नहीं जा रहा तो आप उसे एज इट इज़ उतार लें। आप 3 पे 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 पे 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 5 1 ज़ा, ये वन एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। ये इसका LCM आया, यानी LCM जो अब आप इसका लिखेंगे, तो देखें 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 2, देखें ना 1 2 3। आप इनको अरेंज खुद से करके लिख सकते हैं, यानी अगर छोटे नंबर पहले लिख लें, उसके बाद फिर जो देखें बड़ा आ रहा है, फिर उसके बाद बड़ा लिख लें। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपने प्लस नहीं करना। देखें कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसका टेबल यहाँ तक पढ़ना है, 2 2 ज़ा 4, वो जो नंबर यहाँ से आए उसको आप आगे ले जाओ, आगे वाले से मल्टीप्लाई करो। देखें यहाँ तक 4 आया था, 4 2 ज़ा 8, अब यहाँ तक मेरे पास 8 आया। अगर कुछ दोस्तों को अगर 8 का टेबल आगे नहीं करना आ रहा है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर लो। देखो ये क्या बन रहा है, 3 5 ज़ा 15, यानी 15 इंटू 8 अगर करते हैं, तो देखें 15 इंटू 8, तो ये बेटा जी 120 आपके पास आ रहा है, तो आप इसका लिख सकते हैं 120। ये काम आपने नहीं करना, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से सीधा आप इसका आंसर दे देंगे, तो ये 120 आपका आंसर। तो बेटा ये इसका पार्ट बी है, 462 लिखें इधर, 42 462, ये मैं लिख रही है इसका नंबर, इसका LCM सो फाइंड करते हैं। देखें 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब देखें दोनों के एंड पे क्या आ गया, इसके भी वन आ गया एंड पे, और इधर भी वन आ गया, लिहाजा अब देखें ये किस नंबर पर ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं, तो अब ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो देखें 3 पे करेंगे, 3 7 ज़ा 21, यहाँ पर देखें 3 7 ज़ा 21, 2 बाकी बच जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 3 7 ज़ा 21, 77 आ गया। अब ये 7 पे जा रहा है, देखें 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, बेटा ये 1 1 नहीं है बल्कि ये 11 है, यहाँ से 1 आया है। अब ये 11 पे करेंगे, ये 1 हो चुका है, इसको एज इट इज़ उतार दिया, जबकि ये भी 1 यहाँ पर हो जाएगा। सो इसका जो LCM आया वो हमारे पास क्या नंबर्स हैं, 2 3, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो तो ज़बानी आप अगर टेबल आपको आते हैं तो कर सकते हैं। देखें 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 7, देखिए 6 इंटू 7 अगर करेंगे तो 42 इंटू 11 कर देंगे उसे, तो ये हमारे पास आ रहा है 462, 462 ये हमारे पास
इसका एलसीएम आ गया। तो बेटा ये इसका सी पार्ट है, देखिए 12, 18 एंड 81, इसका भी एलसीएम फाइंड करते हैं हम। देखें सबसे पहले तो ये 2 पे चले करते हैं हम, 2 6 12, 2 9 18, ये अगर नहीं इस पे डिवाइड हो रहा तो इसको एज इट इज़ आप नीचे उतार दें। आप 3 पे करते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, देखें यहाँ से 2 बाकी, 2 इधर चलेगा, 21 हो जाएगा, 2 3 7 21, ये 27 आ गया यहाँ से। अब आप देखें, अब इसे 3 पे फिर दोबारा कर दें, ये 2 नहीं अगर जा रहा तो 2 को आप एज इट इज़ उतार दें, 3 1 3 हो रहा, 3 9 27। अब फिर 2 से कर दें, 2 1 2, ये 1 हो चुका है, 9 को एज इट इज़ उतार दें। अब आप फिर 3 से कर दें, 1 1 जो हो जाए उसको आप उतारते जाएं, और जो नहीं हो रहा उसको आपने करते जाना है। तो देखें 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, ये सारा देखें 1 1, जब तक ये 1 1 नहीं आएगा आपने इसे छोड़ना नहीं है, लेके आपने चलते जाना है। यहाँ पर आप अपनी टेबल जो है वो अपनी मर्ज़ी से करते जाएँ, 2 से करते जाएँ, 3 से करते जाएँ, लेकिन कोशिश ये करनी है अगर इधर आपने 2 लिखा है तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब को चेक करना है कि क्या ये 2 पे जा रहे हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर देखें मैंने 3 से किया था, जॉन जॉन से 3 पे जा रहे थे, सबको करना है, ये नहीं करना कि इसको कर दिया इसको छोड़ दिया, नो, सबको चेक करना है। अगर आपने किसी जगह से भी कोई नंबर छोड़ दिया तो वो गलती हो जाएगी, आप वो मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आएगा, तो कोशिश करनी है कि उस नंबर को छोड़ना नहीं है। सो इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास, 2, और देखने अगर कोई 2 छोटा है नंबर, देखें ये और ये 2, यानी 2 टाइम आ रहा है। इसके बाद देखें 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आ रहा है, 3 3 3 एंड 3। ये बेटा मैं लाइन लगा रहा हूँ ताकि आप इसको मिक्स ना करें। तो देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी पूरे नंबर हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, देखें 2 2 4, 4 3 12, यहाँ तक मेरे पास 12 आया, 12 × 3 करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन कुछ दोस्तों को ट्रिपल नहीं आते होंगे तो आप ये ख्याल कर लें मैंने यहाँ तक 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। और आगे वाले देखें 3 3 9, 9 × 3 27, इन तीनों को किया तो 27 आया, लिहाजा 12 × 27 करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 12 × 27, तो ये हमारे पास 324 आ रहा है, 324 जो कि इस नंबर का, इन नंबर्स का एल सी एम होगा। तो ये बेटा जी इसका लास्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का, देखें इसका भी एल सी एम फाइंड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देखें, मतलब कौन से नंबर पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले 2 लिख लें, देखें ये नंबर नहीं है अगर इस पे डिवाइड हो रहा इसको एज इट ही तो नीचे उतार दें। ये जा रहा है तो ये देखें 40 आ रहा है यहाँ से, 2 5 10, 2 1 251 आ रहा है। अब ये देखें, अब ये 3 पे जा रहा है, यानी 3 पे ये दो ज़्यादा नंबर जा रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, देखें 2 1 3 2 6, 3 1 3, यहाँ पर ये नहीं जा रहा तो इसको आप एज इट इज़ नीचे लिख दें। और यहाँ पर देखें 3 1 3, 2 बाकी बचेगा, 2 यहाँ आएगा तो 21 हो जाएगा, 3 7 21। अब बेटा देखिए देखिए, अब नीचे तीनों प्राइम नंबर्स ही आ गए, बल्कि ये इवन तो है लेकिन इसके पेयर्स यही, अगर ये ब्रेक करेंगे तो यही नंबर आएगा। 23 के भी पेयर ये देखें यही आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 पे करता हूँ तो 3 से करूँगा तो 7 नीचे आ जाएगा, 40 एज इट इज़ आ जाएगा, 17 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब फिर 7 से करूँगा तो ये 1 होगा, 40 एज इट इज़, 17 भी एज इट इज़, 17 पे करूँगा तो देखें 1 तो पहले हो चुका है, 40 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 17 1 17 हो जाएगा। अब 20 जो है, ये 20 के अगर आप ब्रेक करेंगे, देखें ना 2 से करेंगे, या 2 है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये 1 1 हो चुका है। अब फिर आप 2 से करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़। फिर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये वाला 1 भी ऐसे ही। अब 5 से करेंगे तो ये सारे 1 1 आपके पास आ चुके हैं। अब आप इसका एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम यानी इस नंबर के, ये जो 3 नंबर्स गिवन है इनका एलसीएम क्या आया। सबसे पहले तो देखें छोटे नंबर कौन से हैं, यानी 2 2 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स जो है वो 2 है, 1 2 3 4, ये तो 2 आ गया। अब 3 देखें, 1 2 2 टाइम 3 है, 3 एंड 3 एंड, इसके बाद 5 7 5 7, और देखें 17 सबसे लास्ट में। तो देखें गिने ज़रा कितने हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
4, 6, 8 and 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इट मीन्स ये पूरे हैं. अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. यानी यहाँ पर, यहाँ से पीछे पीछे तो वो 16 हमारे पास नंबर आया. आपने ये लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ऊपर लिखता हूँ ताकि आपके सामने ये सारा काम हो. जबकि आगे वाले नंबर्स को देखें, ये दोनों को करेंगे तो ये 9 आ गया. चलें ये ऊपर वाला टोटल हो गया हमारे पास 16 × 9. देखें क्या आता, 144 आई थिंक आता होगा जी. 144 समझ ले आ गया, 144. ये बेटा 4 है. अब इसको मल्टीप्लाई करना है 5 7 35 से एंड 17 से, क्योंकि ये नंबर अभी हमारे पास रहते थे. तो 144 को अगर हम दोबारा से करते हैं, देखें आपके सामने 35 से करूँगा पहले मैं, मल्टीप्लाई बाय 35. तो देखें मेरे पास आया 5 50 40 मल्टीप्लाई बाय 17, अभी एक नंबर रहता था तो फिर उसे 17 से कर देंगे तो ये आपके पास आ रहा है 85,680. यानी 85,680 ये आपका एलसीएम आया क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का. इसी के साथ बेटा जी इसका इंटरमीडिएट लेवल भी देखें. इसी वीडियो के अंदर हम इनको भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो देखें, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 and 98. यानी लार्जेस्ट होल नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात है, जस्ट नाम उसने फ़र्क किया है. आपने परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पे लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी उसी को कहते हैं, लार्जेस्ट होल नंबर भी उसी का नाम है. तो जस्ट दोनों का एलसीएम लेते हैं. तो देखें क्या करेंगे आप, 42 को एंड 98, ये देखें 42 and 98. इसका मैं HCF यानी HCF फाइंड करूँगा. तो वो कैसे करते हैं, इसका पहला सवाल हम बखूबी समझ चुके हैं. तो देखें एक ही नंबर पर आपने करना है, इसमें LCM वाला काम नहीं करना. एक नंबर पर इन नंबर्स को डिवाइड होना चाहिए. देखें 2 1 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2, और वो यहाँ से 1 बाकी बचेगा तो 18 हो जाएगा. 2 9 ज़ा 18. अब बेटा जी देखें, इनको दोनों नंबर्स को 7 डिवाइड कर रहा है. 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49. अब ये दो नंबर ऐसे आ गए हैं जिन पर एक ही कॉमन टेबल कोई भी नहीं जा रहा, तो लिहाजा इसका HCF होगा 2 and 7. तो 2 7 ज़ा 14. तो इस नंबर का आंसर जो आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा या हाईएस्ट या लार्जेस्ट होल नंबर जो आएगा वो 14 होगा. तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, जब नीट करेंगे तो आपने कुछ सेम ऐसे करना है कि सबसे पहले ये लिख के बाद में आपने इस तरह से उसका सलूशन दे देना है. इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें. उसने कहा है कि द नंबर 792 and 990 रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर दीज. यानी इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो ये हैं. जबकि 990, ये दो नंबर्स हैं ना, पहले नंबर के उसने प्राइम फैक्टर्स ये बनाए हैं, दूसरे के ये बनाए हैं. फाइंड करें इसमें से भी वही नंबर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आपने निकालना है, आपने इसमें भी HCF ही निकालना है. तो देखें करना कैसे है इसे. तो देखें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4. यानी आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 792 डेट इज़ इक्वल टू, बेटा जी लिखा हुआ है 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11. जबकि दूसरे नंबर का भी सेम, आपने थोड़ी जगह छोड़नी है क्योंकि अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा. दूसरे नंबर के भी आप ऐसे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ, दूसरा नंबर जो गिवन है वो 990 दिया हुआ है, तो उसके फैक्टर्स जो उसने निकाले हुए हैं हमें गिवन है 2 3 का स्क्वायर है एंड 5 और 11 है. ये बेटा जी देखेंगे. अब आप देखें ये HCF फाइंड करने का एक और मेथड है. जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कहा था कि HCF फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, एक तो ये वाला है और एक वो जो आप ऊपर कर चुके हैं. अब इसमें आपने कैसे फाइंड करना है, ये देखें. ये उसने क्या किया है, 792 के तमाम वो फैक्टर्स निकाले हैं जो, यानी LCM इसका लिया है एक एक अलग अलग नंबर का. तो बेटा जी इसमें देखें उसने क्या किया है, इन दोनों नंबर्स के अलग अलग मतलब LCM लिए हुए हैं और ये नंबर लिखे हैं. देखें ना 792, अगर मैं आपको यहाँ पर इसका रफ थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, देखें 792 को उसने इस तरह ब्रेक किया हुआ है,
टू पे करेंगे तो देखें वो यही पेयर्स देगा, लेकिन उसने ये इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया हुआ है। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये समझाया था कि इंडेक्स में मतलब इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखना, ये जो इसके पेयर्स बने होंगे उसमें 3 टाइम्स 2 आया, 2 टाइम्स 3 आया था और 11 आया होगा, इस तरह से उसने किया। आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आप इसको चेक करें, ब्रेक करें आप ऐसे, उसके यही फैक्टर्स बनेंगे। तो हमने चूँकि HCF फाइंड करना है तो यहाँ पर देखें टू, आपको टू जो है वो 3 टाइम है तो मैं इसको लिख लेता हूँ टू टू एंड टू। इसी तरह से 3 2 टाइम्स है तो वो भी लिख लिया, और ये नंबर 11 जो था वो 1 टाइम है वो मैंने लिख लिया, इस तरह ब्रेक कर लिया। इसमें देखें तो ये इसके कौन से थे फैक्टर्स, ये 3 2 टाइम्स 5 एंड 11। अब आप इन दोनों में नंबर्स में से ज़रा जो मिलाएं, ज़रा जो कौन से मिल रहे हैं, देखें इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, ये एक आपका HCF आ जाएगा, यानी आपने HCF एक नंबर ये निकाल लिया। अब ये देखें यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ भी एक 3 मिल रहा है, ये भी निकल आया, एक 3 और मिल रहा है इन दोनों में, ये भी लिख लिया हमने, और देखें 11 और ये 11, ये भी निकाल लें हम। अब ये इसमें डबल 2 पाया जा रहा है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ दें उसे, इसमें अगर 5 पाया जा रहा है तो उसमें नहीं है तो उसको भी छोड़ दें। जस्ट हाईएस्ट का मतलब है कि जो दोनों में मिले वो निकाल लो, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो यही आपका HCF है। देखें 2 3 6 6 3 18, 18 को 11 से करते हैं तो देखें क्या आता है, 18 into 11, तो देखें बेटा आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 198 आ रहा है, 198। तो ये उसका HCF होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप इस तरह से निकालेंगे। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, उसने कहा द नंबर 176 and 342 रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर 176 इज इक्वल टू, ये उसके फैक्टर्स हैं एंड 342 के फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं। अब इसमें उसने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स। अब इसमें स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से मुराद के इसका लीस्ट कॉमन मेंबर आपने निकालना होगा। तो देखें सबसे पहले तो मैं इसके फैक्टर्स लिखता हूँ। देखिए 176 के जो फैक्टर्स हैं वो उसने जो गिवन में दिए हैं 2 raised to power 4 into 11 दिए हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि 2 4 टाइम है, ये मैं लिख लेता हूँ, ये एंड 11 1 टाइम है, जबकि 342 के जो फैक्टर्स दिए हैं गिवन है हमारे पास वो है 2 into 3 का square into 19। ये बेटा आपकी बुक में मेंशन है, आप देख सकते हैं इनको, तो इसको भी ब्रेक करेंगे तो देखें 2 3 into 3 into 19। सो लीस्ट कॉमन मेंबर क्या होगा आपका, यानी LCM, वो आप क्या लिखेंगे, देखें ये नंबर और ये नंबर तो एक बार मिला, ठीक 2 लिख लिया हमने, 3 देखें दोनों में है नहीं है, 11 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, तो लीस्ट कॉमन मेंबर का मतलब होता है कि एंड तक अगर कोई भी नंबर बच रहा है तो उसको लिख लें आप। तो देखें ये 2 इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, तो आप वो लिख लें, यानी ये हो गया, ये 2 देखते हैं नहीं है वो भी आ जाएगा, ये 2 नहीं है वो भी आ जाएगा, ये 3 भी नहीं है वो भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ 3 है, ये 3 भी आ जाएगा, इसके बाद ये 11 वो भी आ जाएगा, और ये 19 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर जो दोनों में मिलेगा वो एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको आप भी लिख लेंगे। और बेटा कभी भी ऐसा नहीं करना कि ये 2 3 इसमें मिल रहे हैं तो इनको एक बार लिख लो, नो, एक इसमें और एक इसमें मिलना ज़रूरी होगा। इस तरह से LCM को फाइंड करते हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, देखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, यहाँ तक तो मेरे पास 16 आ गया, और यहाँ से देखें 3 3 ज़ा 9 9 into 11 99 आ गया यहाँ तक, और उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्टकट मेथड होते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के, आप इस तरह कर सकते हैं। अब मैं देखिए 16 को मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे पहले 99 से, तो वो मेरे पास आएगा 1584, उसको मैं मज़ीद मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट ही 19 से, तो मेरे पास आ रहा है 30,096। तो ये बेटा जी इसका लीस्ट कॉमन मेम्बर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बेटा जी देखें इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट द एलसीएम ऑफ एन एंड 15 इज 45। देखें ज़रा इसमें लॉजिक ये है, उसने आपको कहा है कि एन
एंड 15, यानी ये दो नंबर का एलसीएम उसने आपको गिवन दे दिया है 45। वो कह रहा है कि ये एन क्या होगा ये बताएं, यानी इन दो नंबर्स का उसने एलसीएम आपको निकाल के दे दिया हुआ है कि 45 है, तो मुझे एन बताएं वो क्या नंबर है। देखें अगर हम पॉसिबल फैक्टर्स देखें या जो नंबर हैं जो डिवाइड करते हैं 45 को, वो कौन कौन से हैं, मतलब जो 45 आप इसमें लिख सकते हैं कि 45 इज़ डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 9। इसके अलावा 15 पे भी जाएगा, लेकिन आप इन नंबर्स को देखें, सिर्फ 45 को ये नंबर डिवाइड करेंगे। अगर मैं एन इसको रख लूँ कि एन इज़ इक्वल टू 3 है, तो ज़रा चेक करें 3 एंड 15 का एलसीएम निकालते हैं क्या आता है। 3 वन ज़र 3, 3 फाइव ज़र 15, 5 पे करेंगे तो 1, तो देखें बेटा 3 इंटू 5 आया जो कि इक्वल टू 15 है। क्या ये इसका एलसीएम हो सकता है, उसने तो 45 दिया, लिहाजा ये नंबर मेरे लिए बेकार है, मैं इसको एन के इक्वल नहीं रख सकता। मैं कहता हूँ जी एन इज़ इक्वल टू 5 है, अब इसमें चेक करते हैं 5 एंड 15, क्योंकि देखिए ना एक एन है दूसरा नंबर 15 है, तो 15 और एन का आपने एलसीएम फाइंड करना है जो 45 आए, तो देखते हैं किससे आता है। 5 पे करते हैं 5 वन ज़र 5, 5 थ्री ज़र 15, 3 पे करेंगे तो देखें 1 1 आ गया, 5 थ्री ज़र 15, इन दोनों का भी 15 ही एलसीएम आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि एन इज़ इक्वल टू 9 है, अब 9 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, 9 एंड 15, यहाँ पे बेटा कॉमा है बीच में याद रखना। 3 पे करेंगे तो 3 थ्री ज़र 9, 3 फाइव ज़र 15, 3 पे करेंगे 3 वन ज़र 3, 5 एज़ इट इज़, 5 पे करेंगे दोनों 1 हो जाएंगे, तो देखें 5 थ्री ज़र 15, 15 इंटू 3 45। यानी एन इफ एन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखें आप इफ एन इज़ इक्वल टू 9, देन दी एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज 45। सो आपका एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू 9 है। तो ये बेटा ये सारा रफ होगा, आपने जस्ट नंबर क्या लिखना है, एन इज इक्वल टू आपने आपको फाइंड करना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने, 45 इज डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 15 एंड 15, 9 एंड 15। सो आपने देखना है कि इनमें से कौन से ऐसा नंबर है जिसको हम एन की जगह रख के 15 के साथ उसका एलसीएम फाइंड करें तो हो। तो देखें 3, 5 भी नहीं है, तो जस्ट आपने लिखना है कि एन इज़ इक्वल टू 9 है। क्यों, क्योंकि देखें ना अगर एन इज़ इक्वल टू 9 है तो फिर इन दोनों का एलसीएम जो है वो 45 के इक्वल आ रहा है, तो 3 भी बेकार है आपके लिए, 5 भी बेकार है। तो ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये सारा काम किया, लिहाजा आपने नीट तरीके से सिर्फ एन इज़ इक्वल टू 9 ही देना है। सो यहाँ पर आपकी ये वीडियो भी ख़त्म हुई, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो बेटा इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एडवांस लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के, तो ये हमने तकरीबन इसमें 4 सवाल कर लिए हैं। 7, 8, 9, 10 जो भी आगे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को हासिल करने के लिए बेटा आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं अभी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक बगैर किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाएगी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।